क्या आप दोनों मुझ पर एक एहसान करेंगे? मेरा बड़ा बेटा हमेशा कहता रहता है कि वो भिक्षु बनना चाहता है। ये रहा वो। आशा जी चलो चलो नमस्ते करो। मैं प्रशिक्षण पर हूँ और इसीलिए मैं शिष्य नहीं रख सकता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है, चलो चलते हैं। मेरी आंख देख रहे हो? नहीं, मैं एक चोर ने मुझसे दावा किया कि दुख और पीड़ा व्यर्थ है, इसीलिए मैंने उसे गलत साबित करने के लिए अपनी आंख जला ली। खुद की आंख जलाई? हाँ। मैंने अपने जीवन में अब तक की सबसे बड़ी तपस्या देखी है, एक जानवर बनकर अपने आप को अपमानित करना। मेरे गुरु नारद दत्त ने भोग के सभी रूपों से दूर प्रकृति के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। तप और वैराग्य के परे हर एक चीज से महान पुनर्जन्म है। जीवन में तुम जितना ही संघर्ष करोगे उतना ही बेहतर इंसान बनकर पुनर्जन्म लोगे। तुम मेरे साथ उरुवेला के जंगल में चलोगे? रात में खुला आसमान कितना अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। हमारे पास जितनी जड़ी बूटियां हैं सब की सब इसे पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। मैं पहले एक पक्षी का रूप ले सकता था और इससे भी बेहतर जड़ी बूटियां ला सकता था। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं कर सकता, शक्तियां नहीं रही हैं मुझ में। जब तक हम इसके पैर का इलाज नहीं करेंगे इसका बुखार नहीं उतरेगा। तो तुम्हारा नाम तत्ता है? हाँ। मेरे गुरु नारद दत्ता ने मुझे एक बार बताया था कि एक लड़का है जिसके पास विशेष शक्तियां हैं, पर मुझे तो लगा कि वो तत्ता एक छोटा बच्चा होगा। हाँ, पर जैसे जैसे मैंने अपनी शक्तियां खो दी मेरी उम्र बढ़ने लगी। तत्ता जल्दी से एक गर्म छुरी ले आओ। हाँ, उसका क्या करोगे तुम? पीप को बाहर निकालूंगा और उसे चटका लगाऊंगा। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी जल्दी ले आओ। हाँ। तैयार हो? ये तो सांस भी नहीं ले रहा। ओह, इसे पसीना आ रहा है। ओह, ये फिर से सांस ले रहा है। ये तो अच्छी बात है। ये बच्चा बहुत किस्मत वाला है। चक्रवात आएगा, चक्रवात आएगा। यहाँ चक्रवात आने वाला है। क्या चक्रवात आने वाला है? लेकिन आसमान तो साफ है, चक्रवात कैसे आएगा? सब लोग भाग जाओ, यहाँ चक्रवात आने वाला है। ये बच्चा क्या बात कर रहा है? भाग जाओ भाग जाओ।
ये कैसे हुआ? सच में चक्रवात आया जैसा उसने कहा था?